नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ कांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक बड़ी बैठक बुला रहे हैं और इस बैठक में आपको बता दें कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत होगी। आपको बता दें कि माफियाओं के ऊपर कार्रवाई को लेकर ये बड़ी और अहम और महत्वपूर्ण बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बुलाई है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये बैठक होगी ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक माफिया पर कार्रवाई को लेकर सीएम सख्त निर्देश दे सकते हैं। बता दें कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। वहीं इस बैठक में डीजीपी, एसीएस होम और सभी जिलों के एसपी भी शामिल होंगे। वहीं आपको भी बता दें कि खंडवा में हिंसा, नेपा नगर घटना, भिंड और मुरैना में अवैध उत्खनन की घटनाओं को लेकर अधिकारियों से सीएम रिपोर्ट भी तलब कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कार्रवाई को लेकर सजग हैं। लगातार वो बैठक करते रहे हैं तमाम जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ और प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसकी समीक्षा भी करते रहते हैं। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में ये बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें खासतौर पर माफियाओं के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है इसकी समीक्षा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। बता दें कि पूरे जिले के एसपी इस बैठक में शामिल होंगे। ये भी बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर्स और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। इस बैठक में जो भी निकल कर आएगा, जो भी अपडेट होगा, वो एमपी तक सबसे पहले आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।